प्रोजेक्ट जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, सो मैं भैया को बोल रहा हूँ कि आप प्लान करो, अच्छा रात का टाइम दो, कल का टाइम दो, एक अच्छी सी थीम सोचते हैं। मुझे काफी ज्यादा बुरा लग रहा है कि यार उसी मैंने गाड़ी पानी के अंदर क्यों घुसाई। देखिए टायर देख के ना, सो मेरा ना मूड मतलब थोड़ा स्विच हो रहा है कि अलॉय नहीं तो कम से कम टायर डलवा लूं। ओ भाई साहब, ये चेक कर रहे हो? तभी मैं बोलूं ब्रेक लगेगी कहां से, ब्रेक लगने वाली हालत ही नहीं है यहां पे। ये देखो भाई साहब। सो हे गाइस, गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप सब? तो आई होप सो कि आप सब ठीक होंगे। तो वेलकम मेरा न्यू वीडियो पे आप सबका, मैं आपका दोस्त आदिक मलिक। फर्स्ट ऑफ ऑल, गर्मी काफी ज्यादा हो चुकी है और मुझे लगता है कि हमें एसी लगाने की जरूरत पड़ गई है भाई, क्योंकि गाड़ी थोड़ी धूप में थी और गर्मी काफी ज्यादा लग रही भाई। सो अभी के हालात कुछ ऐसे हैं, जज्बात कुछ ऐसे हैं, अपनी थार में थोड़ी सी दिक्कत आ चुकी है। जैसे लास्ट वीडियो में बताया था, मेरी जो ब्रेक है ना, तीन चार पैडल करने के बाद जाके ब्रेक लग रही है और कुछ मेरी गाड़ियों से आवाजें भी आ रही हैं। ये साइड इफेक्ट आप बोल सकते हो कि अपने ऑफ रोड के हैंड ब्रेक का कुछ इशू हो चुका है। हैंड ब्रेक ना प्रॉपर लग नहीं रही है, जा रही है ऊपर तक पर प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है। उसका वायर का कुछ इशू है, वो मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कि इशू क्या है। फिलहाल डिगी भाई को कॉल की हुई है, डिगी भाई कह रहे थे कि जाके ना इसके ड्रम ओपन करने पड़ेंगे, उसके बाद ही कुछ बता सकते हैं कि भाई हुआ क्या है। अपने तरुण भाई का डोनर्स वगैरह किए थे लास्ट ऑफ रोड में जब मैं नहीं गया था, सो उनकी भी गाड़ी से कुछ आवाज आ रही है, उन्होंने भी दिखाना है, तो हमने सोचा कि चलो साथ में दिखा लेते हैं कि क्या होता क्या नहीं होता। मुझे गाड़ियों की ना इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है हमारा गांव में चलाना, बट एक ही धीरे 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 सब कुछ सीख रहा हूँ। अब पता चलता है कि कौन सी चीज कैसे करवानी, कौन सी नहीं, कैसे। आप फील्ड में उतरते नहीं हो ना तब तक आपको कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं होती है, तो अब आस्ते 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 फील्ड में उतर रहे हैं, पता चल रहा है कि गाड़ियों की केयर कैसे करनी है, गाड़ियों का काम कैसे करवाना है, कहाँ से क्या करवाना है, कहाँ से नहीं। सो ये चीजें थोड़ी थोड़ी पता चल रही है, जहाँ से भी काम हो जाता है सो वहीं से करवा लेते हैं और गाड़ी को थोड़ा प्रॉपर ठीक करवाते हैं। सो जाना कहीं और था बट अभी डिसाइड हो चुका है कि करना क्या है। सो डिग्गी भाई और तरुण भाई आ रहे हैं, उन्होंने कहा कि आप ना हाईवे तक आओ, देन ना उनके बाद दोनों गाड़ियों को दिखाते हैं कि एक्चुअली में दिक्कत क्या हुई है, और मुझे अपनी गाड़ी से कुछ ज्यादा ही आवाज आना शुरू हो गई है। तो गाइज ये चीज मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, अभी तक मैंने किसी शेयर नहीं की है, तो मुझे ना बोलने वाली बीमारी हो चुकी है इनकेस की भाई अगर मुझे किसी ने बुलाया है, अगर आपने बुलाया कि यार यहाँ पे आना, अगर उस बीच मुझे किसी की कॉल आ जाती है या मुझे किसी ने बुला लिया, समझो मैं ना पिछले बार चीजें फ्लैश हो जाता हूँ कि थोड़ी देर के बाद 10-15 मिनट का याद आता है कि यार उस बंदे ने बुलाया था, और मुझे खुद ही पता ये चीज हो क्यों रही है। आई थिंक सो कि भाई पीछे काम का स्ट्रेस कुछ ज्यादा था तो तभी वो सीन हुआ है। मुझे यही कहा था कि यार होंडा के शोरूम के पास आना कि जहाँ पे होंडा का शोरूम है, यहाँ तो डिग्गी भाई दिख रहे हैं ना, तो मुझे यहाँ पे भाई तरुण भाई दिख रहे हैं, सो फिलहाल उनको कॉल वगैरह करते हैं। होंडा का शोरूम है बट क्या है कि गाड़ियां थारे जा रही है अंदर, मैं तो फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। मैंने डिग्गी भाई को बोला यार क्या दिक्कत क्या है, यहाँ पे अंदर थार कैसे जा सकती है भाई? ये क्या सर? नहीं नहीं व्लॉगर छोड़ो, ये सर्विस सेंटर कौन सा वाला है, होंडा का या महिंद्रा का? हमारे सादिक भाई क्या हाल चाल है? ठीक हो? ये सर्विस सेंटर कौन सा है? ये तो हम भी आज ही आए। सो ये गैराज बन चुका है, गैराज। फिलहाल ये रही अपनी तरुण भाई की गाड़ी, सो मैं दिखाता हूँ कि भैया ने बड़ा पैसा लगाया भाई इस गाड़ी पे। G1442। सो फिलहाल भैया कह रहे हैं कि बड़े बड़ा खर्चा होगा इस गाड़ी पे यार। फिर वीडियो कौन सी वाली? इस पे कितना पैसा लगा? जिसके टायर है ना, मुझे कल रात को पसंद आ गया। गाड़ी लगाते कहाँ पे यार, बड़ा हरामी हो बेटा। अरे भैया टायर ना उसमें से चेंज करने का पर्चा भी लगेगा कुछ, इसमें कौन सा कोड होता है कोई? मतलब ये सही ऑफ रोड टायर होते हैं ना वो, ये वाले मुझे लग रहा है कि भाई यहाँ कहीं भी गाड़ी लेके जाओ कोई चक्कर नहीं, और भी ना 18 इंच लॉय है ना उन्हीं के साथ फिटेड हुए हैं। लोगों ने पता नहीं कितने कितने पैसा खर्च कर दिए, लेकिन वो क्या है कि क्या बोले, अब अपने लिए उतना भी बहुत ज्यादा है। किडनी कुडनी भैया कोई भैया, किडनी कुडनी कोई भैया? ओहो, मेरा आर्म रेस्ट नहीं यहाँ पे, सो मुझे बैठने में काफी ज्यादा आसानी होती है क्योंकि आर्म रेस्ट सारा कवर कर लेता है। फिलहाल ये है अपनी तरुण भाई की थार, सो इसमें क्या क्या चीजें लगी हैं वो हम आपको थोड़ी देर में बताते हैं भाई। ऑन करते हैं और देखते हैं भाई, ये रहा थार का जलवा। ओहो, इतना रॉयल लुक आ रही है गाड़ी में बैठ के। सो ये चीज चेक कर रहे हो भाई, ये ट्यूनर आ गए, देन उसके बाद वहां भी ट्यूनर है, और उसके बाद लाइट्स काफी अच्छी है भाई, इंप्रेसिव लाइट्स काफी अच्छी है। ये थार का एक नया ट्रेंड चल रहा है, वो भी लगवाई है थार, और लाइट्स कहाँ लगवाई और कहीं नहीं लगवाया, कुछ पीछे कुछ भी नहीं है, बाकी सिस्टम लगाया पूरा फुल। ये सारे स्पीकर जितने भी सारे चेंज हुए हैं, काफी सारी चीजें जो उसके अंदर लग चुकी है। अब मुझे नहीं पता कि प्रॉपर कितना खर्चा हुआ, क्या क्या हुआ है, सो भाई ने काफी सारी चीजें चेंज करवाई है। और ये आर्म रेस्ट में आजकल इसकी एड काफी ज्यादा देख रहा हूँ, और मुझे लगता है मुझे लगवा लेनी चाहिए यार, क्योंकि मेरी ऐसी भी ये चीजें आवाज कर रही थी, तो ये चीज काफी हेल्प करती है जब आप कहीं मतलब
उतरना हो चढ़ना हो तो बाकी मतलब कहीं पकड़ के चलना हो तो ये चीज आप आराम से पकड़ सकते हो। और मुझे लगा नहीं था कि भाई इतनी टाइट और इतनी हार्ड होंगी ये, और ये काफी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है इसकी। तो चलते हैं भाई, गपशप मारते हैं, अपनी गाड़ी दिखाते हैं, चेक कराते हैं, उसके बाद फिर अगेन आपसे तरुण भाई से मिलाते हैं और बताते हैं टायर पर कितना खर्च हुआ है। ग्रिल ना भाई ने बिल्कुल डिफरेंट वाली लगवाई हुई है, ये ग्रिल चेक कर रहे हो, ऐसी ग्रिल मैंने अभी काफी कम थारों में देखी हुई है। लाइट्स देख रहे हो, फॉग लैंप हो गए, बाकी ग्रिल वगैरह होगी और भी काफी चीजें, मतलब खर्चा नॉर्मल जो होता है। सो ये रही अपनी ब्लैक हैमर। सो एक चीज बता दूं, इस गाड़ी के टायर देख के ना सो मेरा ना मूड मतलब थोड़ा स्विच हो रहा है कि अलॉय नहीं तो कम से कम टायर डलवा लूं, क्योंकि गाड़ी की जो लुक है ना ये देख रहे हो, ये सिंपल है, ये अलॉय के साथ मतलब अलॉय नहीं है अभी फिलहाल, टायर ही है 90,000 के टायर ही है भाई, काफी अच्छे लग रहे हैं और काफी यूनिक चीज लग रही है क्योंकि थार में इस तरह के अभी तक किसने डलवाए नहीं है। ठीक है यार, चल रहा है, मार्च कंप्लीट होने दो, देन उसके बाद सोचते हैं इसकी मॉडिफिकेशन का क्या करना क्या नहीं करना। मार्च तक थोड़ी सी दिक्कत है, आई नो जो समझने वाले वो समझ गए होंगे। भैया कुछ गिर रहा है नीचे, गिरता ही है ना, यही तो ब्रेक होती है। चूरा, ये चूरा जो है ना ब्लैक वाला, ये ब्रेक, ये आपके जो लेदर शूज हैं वो घिस गए, ब्रेक डाउन है, ये टाइट की हुई है काफी। ये अभी इनके तो साथ है, हमारे वाले देखेंगे उसमें कितना, बस इसको हवा मारेंगे और फिर से बंद कर देंगे, डोंट करवाना जरूरी है। 10 hours later. तो वहां पे गया था मैं काम कराने के लिए, बट कुछ ही सेकंड के अंदर ना एकदम वक्त बदल गए, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। सो कुछ इंसिडेंट हो गया था जिसके कारण मुझे वहां से क्विकली मतलब इन द मीन्स की भाई गाड़ी लगाई थी, बस एक टायर ओपन किया था। सो मुझे इतनी जल्दी वहां से निकलना पड़ा ना, वो इश्यू कुछ हो चुका था, थोड़ा सा पर्सनल है। सो वहां से जल्दी निकलना पड़ा, देन उसके बाद मैं निकल के आ गया वापस घर पे। सो अभी जाके फ्री हुआ हूं, अभी अप्रॉक्स टाइम हो रहा है 6:38। सो फिलहाल देखते हैं, अब तो राजीव भाई के पास जाना पड़ेगा, देखते हैं अगर राजीव भाई मिल जाते हैं ठीक है यहीं से करवा लेते हैं अपन, राजीव भाई यहीं पे, अब पता नहीं राजीव भाई काम करेंगे नहीं करेंगे। भैया काम करोगे नहीं करोगे? करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। सो फिलहाल भाई के पास मेरे लगता है छुट्टी होगी, इससे छुट्टी होगी क्या? छुट्टी होगी, छुट्टी होगी। सो चलो दिखाते हैं, अब मैं आपको दिखाता हूँ हुआ क्या। अब इधर आओ, राजीव भाई को बताते हैं कि मसला क्या है। गंभीर मसला हो चुका है, गंभीर मसला ये हो चुका है भैया, एक्चुअली इसकी जो हैंड ब्रेक है ना वो देखो पकड़ कम है, नहीं है ही नहीं बिल्कुल भी, मतलब गाड़ी गियर में रखनी पड़ रही है। उसके बाद इसका पैडल जो है ना ये चेक करो, मुझे गाड़ी जब भी रखनी पड़ रही है ना, सो आगे ना एक कुछ ना पत्थर वगैरह या तो कुछ हाइट वगैरह में गियर में गाड़ी रखनी पड़ रही है, गाड़ी सेफ नहीं है भाई। तो फिलहाल चलो अभी थोड़ा बहुत हो जाएगा, होगी भाई हो जाए, आज अभी खुद मेहनत करनी पड़ेगी। शू है, मुझे थोड़ा बहुत पता है कि हुआ क्या है, बट ये बाकी भैया को सारा पता है कि हुआ क्या है। देखो मे भी हो जाए यार, कि भैया लेट हो रहे काफी ज्यादा, अगर कोई और होता भैया ना कर देते, बट ये कि भैया ना अभी ओपन कर दी, भैया कहते कोई दिक्कत नहीं मैं कर देता हूँ, कोई चक्कर नहीं। और खुद ही सारा मतलब ये देखो गैराज पूरा खाली है, एक हमारी गाड़ी और सिर्फ भैया हैं। ओ भाई, अब मैं सोच रहा था कि ये चीज निशान किसके हैं, अब मुझे आज पता चला कि जिस दिन हमने सर्विस करवाई थी ना तो उस दिन ही गाड़ी ओपन हुई थी, तो ऐसे ही ओपन की थी जिस उस चीज के निशान है ये। इन्होंने लगाया ना, सो मुझे तब जाके पता चला कि ये निशान किसके हैं। अब वो देख रहे हो मिट्टी, नीचे मिट्टी देख रहे हो भाई, ये गाड़ी जिस दिन मेरी वहां पे, क्योंकि लास्ट टाइम जिसने ऑफ रोड देखा होगा ना मेरी गाड़ी ना मतलब अप्रोक्स आधा घंटा पानी के अंदर रही थी, उस चक्कर में सारी मिट्टी अंदर चली गई और वहीं पे वो सीज होगी। ये देखो भाई साहब, ये चेक कर रहे हो, इसी वजह से ब्रेक क्यों नहीं लग रही थी, ब्रेक इसलिए नहीं लग रही थी भाई। सो अभी मैं लास्ट अभी सर्विस करवाई थी ना सो कंपनी से, तब जाके ये इसके लेदर डाले थे, बट मुझे लगता नहीं कि इसके लेदर ज्यादा चल पाएंगे, मिट्टी काफी ज्यादा हो चुकी है भाई। चलो भाई एक तो साफ हो गया, अब दूसरा साफ हो जाएगा ना, अगर मैं इसको ऐसे चलाता रहता ना तो इसके लेदर टोटली पूरे खत्म हो जाते भाई, क्या कहते हैं कि वॉश हो जाता है बैक का ना, इसको ये खोल के जाए खोल के वॉश करना पड़ता है, एक की तो बुरी हालत है। ऐसी गाड़ी खुली है ना तो मुझे काफी ज्यादा बुरा लग रहा है कि यार उसी मैंने गाड़ी पानी के अंदर क्यों घुसाई, और घुसाई तो फिर उसके बाद साफ क्यों नहीं करवाई। ये चाहता था कि मैं मतलब पता क्या करना चाहिए, मुझे ना उसी टाइम जाके वॉश करना चाहिए था, ड्रम खोलना चाहिए था जाके, फिर उसके बाद मे भी जो लेदर मेरे मतलब अभी चलेंगे ना 6-7 महीने वो उस टाइम 8 महीने जा सकते थे। सो ये देख रहे हो,
इतनी मिट्टी निकली है इसके अंदर से, ये चेक कर रहे हैं, मे भी आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा होगा, बट काफी ज्यादा मिट्टी है इसके अंदर भाई। वो मुझे पता चल चुका था जब ब्रेक मेरी काम नहीं कर रही थी ना। फिलहाल मैंने इसके एक काम और करना है, इसके अंडरबॉडी लाइट्स मंगवानी है। ये देख रहे हो जितना मर्जी वॉश करो गंदा रह जाता है भाई। अंडरबॉडी पूरी मंगवानी है इसकी, उसके अंडरबॉडी मंगवाने के बाद जाके ना फिर इसके बाहर मुझे कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि पीछे जो टैंक है ना टैंक में कवर नहीं है, और भी एक दो जगह जहाँ पे कवर बिल्कुल नहीं है भाई। जी देखते हैं, काफी सारा खर्चा है भाई अभी जो करवाने वाला है इसमें, वो तो करवाना ही पड़ेगा यार। सो क्योंकि लेट काफी ज्यादा हो चुके हैं, अब ना लाइटिंग के ऊपर सारा काम होगा। अब लाइट पकड़ते हैं हम। सो एक तो वीडियो की सो वीडियो क्वालिटी चेक कर रहे हो कैसी हो चुकी है भाई। अब प्रॉपर अच्छे तरीके से साफ होगा सारा। ये साफ ना करो तो क्या होता है, ये साफ ना करो ब्रेक नहीं लगेगी एक तो। भाई जितने ऑफ रोड करते हैं ना, जो जो न्यू है मेरी तरह, जिन्हें पता नहीं है कि ये चीजें आके साफ प्रॉपर ब्रेक नहीं काम करती, तो ये आके जैसे ऑफ रोड करके आते हो, अब पानी के अंदर गए हो कहीं भी गए हो ऑफ रोड के अंदर गए हो, जरूरी है ना, लेदर खराब हो जाएंगे, ड्रम खराब हो जाएगा, लाइनिंग पड़ जाएगी इसमें, जैसे इसमें पड़ी होगी, ये देखो इसमें भी लाइनिंग पड़ गई ना, है ना लाइनिंग, ये एसी के काम वॉश करवाना बहुत जरूरी है भाई। अब इसको ना वॉश करना पड़ेगा पूरे प्रॉपर तरीके से, देन उसके बाद ही अंदर से जो मिट्टी है ना जो मतलब जम चुकी है तो वो जाके निकलेगी, उसके बाद फिर एयर लगानी पड़ेगी जो कि प्रॉपर एक बार क्लियर हो जाएगा ना, तो उसके बाद टेंशन नहीं भाई। तो मैं तो कोशिश करूंगा कि अब मैं जब भी ऑफ रोड जाऊँ सो भाई पहले वॉश करूँ, देन उसके बाद फिर अगेन गाड़ी चलाऊँ यार। सो भैया के जो वर्कर है ना वो सारे चले गए, देन फिलहाल पानी वगैरह खत्म हो चुका है, अभी पानी लेने जाना पड़ेगा इस टैंकर के अंदर। सो टैंकर से पानी लाते हैं, मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई। सो चलो भाई पानी लेके, अब नंबर आ चुका है अपने सेकंड टायर का, सो इसको ओपन करेंगे, देन इसको वॉश करेंगे अच्छे से, देन टायर करवा लेते हैं, हैंड ब्रेक करवा लेते हैं जो कि सबसे ज्यादा मेन है, तो उसके बाद फ्री टाइम में आएंगे, बाकी ये चीज करवाते हैं। देन एक अच्छा सा प्रोजेक्ट हम प्लान कर रहे हैं, जो कि मैंने बताया था कि मैं हम एक प्रोजेक्ट जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। सो मैं भैया को बोल रहा हूँ कि आप प्लान करो अच्छा सा प्रोजेक्ट, हम राजीव को यहाँ से ऑटोमोबाइल से करेंगे। सो भैया कह रहे हैं कि रात का टाइम दो, कल का टाइम दो, एक अच्छी सी थीम सोच रहे हैं, देन उसके बाद फिर उससे वर्क करेंगे अच्छे से, और देन उसके काफी ज्यादा अच्छा एक चीज ला रहा हूँ, मे बी जल्दी आ जाए। फिलहाल इसको ओपन करते हैं, देन देखते हैं भाई ये कितना साफ है, लगता नहीं इसकी हालत देख के लगता नहीं है कि साफ है। ओ भाई साहब ये चेक कर रहे हो, तभी मैं बोलूं ब्रेक लगेगी कहां से, ब्रेक लगने वाली हालत ही नहीं है यहाँ पे। अंदर भी इतना सारा कचरा हो चुका है ना, अब मुझे इतना टाइम नहीं मिल रहा कि मैं अंदर से पूरी गाड़ी वॉश करवाऊं, और मे बी आजकल तो वॉश करवा दूंगा, और इसके बाद ये गाड़ी ना अब थोड़ी बहुत मेंटेन रखनी पड़ेगी। ये चेक कर रहे हो भाई, तो फिलहाल गाड़ी वगैरह हो चुकी है कंप्लीट, लाइट्स करते हैं बंद। सो पहले क्या दिक्कत थी, पहले जो हैंड ब्रेक थी ना वो इतनी लाइट थी ना कि आप एक उंगली से उठाते थे तो वो चली जाती थी, और लास्ट यहाँ तक आ रही थी वो हैंड ब्रेक। सो अभी क्या हो रहा है, सो अभी देख रहे हो मत यहाँ तक जा रही है और प्रॉपर हैंड ब्रेक वर्क कर रही है, ब्रेक का पेडल देख ये चेक कर रहे हो। मुझे लगता है गाड़ी वॉश करवानी पड़ेगी भाई साहब, निकलते हैं बाहर। सो भैया भी काफी ज्यादा लेट हो चुके हैं, तो लास्ट टिल एंड तक वर्क किया हुआ है। सो ये निकल रहे थे, कह रहे डॉक्टर पर जाना, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं भाई, अब निकलते हैं भाई गाड़ी टर्न करते हैं, अब गाड़ी अच्छे से वर्क कर रही है, अब निकलते हैं घर के लिए, लाइट्स ऑन कर लेते हैं भाई, क्योंकि जब हम आए थे सब लाइट्स काफी ज्यादा थी, बट अभी की लाइट टोटली खत्म हो चुकी है भाई। चलो भाई ब्रेक चेक कर लेते हैं भाई, ओ भाई ब्रेक तो प्रॉपर वर्क कर रही है। सो चलो अब निकलते हैं घर के लिए।